हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्त्री शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वीमेन एजुकेशन। ओके, अब स्त्री शिक्षा होता क्या है, क्यों जरूरी है? देखिए, स्त्री शिक्षा क्या होता है? महिलाओं को शिक्षित करना। क्यों क्यों जरूरी है महिलाओं को शिक्षित करना? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में महिलाएं हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं पुरुषों से पिछड़ी हुई है, ठीक है। इन महिलाओं की प्रगति के लिए इन्हें समाज के प्रति जागरूक करना होगा। ओके, और इन्हें जागरूक करने का एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही, शिक्षा के जरिए ही हम महिलाओं को शिक्षित कर सकते हैं और इन्हें हम आत्मनिर्भर कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जिसके द्वारा ये इनका सर्वांगीण विकास होगा, समाज के प्रति जागरूक होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें स्त्री शिक्षा के लिए उद्देश्य हैं। तो हमारे विश्व में या हमारे देश में स्त्री शिक्षा का ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इन्हें शिक्षित करना है, क्योंकि हमें अपने देश की प्रगति करनी है। और देश का प्रगति मतलब हर एक जनसंख्या, हर एक जनता का प्रगति होता, सबका विकास होना चाहिए, जिसमें महिलाएं पीछे नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे कि स्त्री शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। जो मैंने आपको बताया स्त्री शिक्षा क्यों जरूरी है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहला है स्त्री गुण को बनाए रखने हेतु दीक्षा, शिक्षा और वातावरण की व्यवस्था करना। कहने का मतलब, हर एक स्त्री के क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, उसको उसका विकास करने के लिए उसे शिक्षा की व्यवस्था देना पड़ेगा, उन्हें दीक्षा वातावरण की व्यवस्था देनी पड़ेगी, जिससे कि महिलाएं का विकास हो सके। हर एक माता पिता को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को बचपन से स्त्री योचित गुणों की शिक्षा दे, जैसे कि विनम्रता उन्हें सिखाएं, सहनशीलता, लाजशीलता, और उन्हें ये भी सिखाएं कि अत्याचारों को ना सहने की क्षमता होनी चाहिए, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, ठीक है। ये सारी शिक्षाएं माता पिता को बचपन से ही हर एक महिलाओं को देना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता का विकास भी करवाना चाहिए। हर एक सरकार द्वारा बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास करने के लिए महिलाओं को शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि महिलाओं का अच्छे से विकास हो सके, उनके मानसिक विकास हो सके, उनका सामाजिक, आध्यात्मिक, ये सारे विकास अच्छे से हो सके। माध्यमिक स्तर पर अलग से महिला विद्यालयों का निर्माण भी करना चाहिए। अब देखिए, महिलाओं को स्पेशल एजुकेशन देने के लिए, उनको हर एक क्षेत्र में उनका प्रगति अच्छे से करने के लिए उन्हें अलग से महिला विद्यालयों का भी निर्माण करवाना चाहिए। ओके, आगे है धार्मिकता, नैतिकता, चारित्रिकता का स्रोत बनाना। धार्मिक भावनाओं का प्रसार करके स्त्री बालकों का नैतिक आचरण सुधारती है। वह दया की देवी है, क्षमाशीलता उसका धर्म है, वह सहिष्णु, उदार और सहकारी है। अब कहने का मतलब कि हमारे जो देश में स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो दया की देवी होती हैं, ठीक है। इमोशनली काफ़ी अटैच होती हैं, भावनाओं का प्रसार होती हैं, ठीक है। तो हम महिलाओं के अंदर धार्मिक भावना का प्रसार करके स्त्रियों को, जो स्त्री होती है वो बालकों के नैतिक आचरण को सुधार सकती है, जो बालक होते हैं। अब देखिए, महिलाएं क्या होती हैं, महिलाएं एक बहन होती हैं, एक माँ होती हैं, ठीक है, एक पत्नी होती हैं। तो ये माँ बनके अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकती हैं, उन्हें उनका नैतिक आचरण सुधार सकती हैं। जो महिलाएँ होती हैं ये दया की देवी होती हैं, ये क्षमाशीलता ही उनका धर्म होता है, वो बहुत आसानी से क्षमा कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो महिलाओं के अंदर होता है, ओवरऑल सब कुछ होता है, अगर हम उन्हें शिक्षा अच्छे से दें, उनको सही प्रगति उनको मिल सकती है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें होगी, महिलाओं का विकास होगा, तो इनके थ्रू हमारे राष्ट्र का विकास भी होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे पढ़ते हैं। ओके, देखिए, महिलाओं को शिक्षा देना, उनको शिक्षित करने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, जैसे कि उनका मानसिक विकास करना, उनका आध्यात्मिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, महिलाओं का विकास करना ही सर्वांगीण विकास कहलाता है, ठीक है। तो स्त्रियों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करना
ये एक शिक्षा का बहुत बड़ा उद्देश्य है। स्त्रियों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास करने के लिए इन्हें पुरुषों के समान बिना किसी भेदभाव के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। सरकार द्वारा स्त्रियों के व्यक्तित्व विकास में आने वाली समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अब देखिए, हमारे देश में बहुत से घर में ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता है, उन्हें पुरुषों के समान अवसर नहीं मिलते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं मिलती है, आगे उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है या कुछ भी, आगे उन्हें अपना अपने पैरों में खड़े होना है, आत्मनिर्भर बनना है, उनका कुछ ऐसा डिसीजंस होता है जिसकी वजह से फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, उनके ऊपर इतने पाबंदियां लगा देते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है, वो भेदभाव के कारण या फिर रेस्ट्रिक्शंस के कारण वो रुक जाती है, वो अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाती, जिससे उनका विकास नहीं हो पाता है। तो हर एक परिवार को चाहिए, हर एक माता पिता को चाहिए कि वो महिलाओं को या फिर स्त्रियों को, अपने घर की बेटियों को अच्छे से अच्छे अवसर दें, जिससे कि उनका अच्छा प्रगति हो सके और वो आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। सरकार द्वारा स्त्रियों के व्यक्तित्व विकास में आने वाली समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अब देखिए, सरकार को भी ऐसा नहीं है, परिवार तो ठीक है साथ देगा ही देगा, उसके साथ साथ सरकार को भी साथ देना पड़ेगा ताकि परिवार अपने आप आगे आए। जैसे कि सरकार उनके लिए कई प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे रूल्स हैं, और भी कई ऐसे योजनाएं हैं जो सरकार लागू की हैं और उन्हें कुछ जरूरी और भी आगे प्रगति करने की जरूरत है, ठीक है। आगे, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाना। तो स्त्रियां परिवार में तथा समाज में अपने व्यवहारों द्वारा संस्कृति का विकास करने में सहयोग देती हैं। धार्मिक प्रथाएं, रीति रिवाज, सामाजिक मान्यताएं, रहन सहन, पारिवारिक शिक्षा द्वारा सामाजिकरण के आदर्श प्रस्तुत करके वे ही पुरुषों का मार्गदर्शन करती हैं। अब देखिए, जो स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्रियां परिवार में हो या समाज में, ये अपने व्यवहारों के थ्रू क्या करती हैं, ये अपने संस्कृति का विकास करती है। वैसे भी जो स्त्रियां होती हैं, इनका मोरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, इनके अंदर पेशेंस होता है, ठीक है, ये धैर्य रखती हैं, ठीक है, और इनका संस्कृति का विकास बहुत अच्छा होता है। तो ये इनके जरिए, महिलाओं के जरिए हम पुरुष वर्ग का मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें हम अच्छे से शिक्षित कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। तो उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। आधुनिक युग की महिलाएं अपने भविष्य को संवारने में लगी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं। सरकार व समाज दोनों को जरूरत है कि वो महिलाओं को पुरुष के समान उनके विकास के लिए सुविधाएं और अवसर दें। सरकार को महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए नेतृत्व का शिक्षण देना चाहिए, जिससे कि वो एक योग्य शिक्षक बन सकें, योग्य चिकित्सक बन सकें, योग्य अभियंता बन सकें, योग्य नागरिक व समाज सुधारक बनकर राष्ट्र की सेवा कर सकें। कहने का मतलब है कि आज के टाइम की जो महिलाएं हैं, हर एक महिलाएं अपने फ्यूचर कैरियर को बनाने में लगी हुई, सभी अपने भविष्य को संवारने में प्रयास कर रही हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू, इसके बदले सरकार और समाज दोनों को कोशिश करना चाहिए और दोनों को ऐसे अवसर देने चाहिए जिससे कि महिलाओं और पुरुषों को, दोनों को समान अवसर मिले और महिलाओं को भी पुरुषों के समान सुविधाएं और अवसर मिले, जिससे कि महिलाओं का अच्छे से विकास हो सके। सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि महिलाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर देने के साथ साथ उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, उनको अच्छे से शिक्षण दिया जाए, जिससे कि वो आगे जाके एक बेस्ट टीचर बन सके, एक बेस्ट डॉक्टर बन सके और योग्य नागरिक बन सके, जिससे कि हमारे समाज का सुधार होगा। और जब समाज का सुधार होगा तो राष्ट्र की प्रगति अपने आप होगी, राष्ट्र का विकास होगा। ये है। आगे है, जीविकोपार्जन हेतु व्यावसायिक शिक्षा देना। आज की नारियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर परिवार को चलाने के लिए धनोपार्जन करती हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि आजकल की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला रही है, मतलब कमाई में हो या किसी भी क्षेत्र में है, ठीक है। कोई भी जॉब करनी है तो हर जॉब में महिलाएं हैं, हर जगह महिलाएं
पुरुषों के समान कदम से कदम मिलाई हुई है। जितना पुरुष कमाते हैं उतना ही महिलाएं भी कमा के अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे सकती हैं और करती भी हैं। यदि सरकार स्त्रियों के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था कर दे तो महिलाओं की प्रगति में और भी तीव्रता लाई जा सकती है। देखिए, पुरुषों के लिए तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा क्षेत्र खुले हुए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अवसर मिले हुए हैं, बट महिलाओं के लिए कई क्षेत्रों में आज भी रेस्ट्रिक्शंस हैं और साथ में पारिवारिक रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, उन सब में रोक है। सरकार की तरफ से तो कुछ चीज़ें हैं ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पारिवारिक समस्याएं हैं जिसके कारण महिलाएं अपनी प्रगति नहीं कर पाती हैं। तो उसके लिए ज़रूरत है कि सरकार स्त्रियों को अलग से उनकी व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यवस्था करें, जिससे कि महिलाओं की और अच्छे से और जल्दी उनकी प्रगति हो सके। इससे महिलाएं अधिक से अधिक धनोपार्जन करके अपने परिवार की स्थिति में सुधार ला सकती हैं। इससे यही होगा कि जब सरकार उनको और ज़्यादा व्यवस्था देगी, सरकार उन्हें और ज़्यादा अवसर देगी, तो इससे क्या होगा, हर एक महिलाएं अधिक से अधिक कमाने की कोशिश करेंगे और वो अपनी फैमिली को अच्छे से उनके स्थिति को सुधार सकती हैं। ठीक है, जब परिवार की स्थिति सुधरेगी तो समाज की स्थिति सुधरेगी और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। ओके, तो कहने का ओवरऑल यही मतलब है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर दिया जाए, जिससे कि हमारे देश की महिलाओं का भी प्रगति हो सके। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्त्री शिक्षा के उद्देश्य अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो भी आप मुझे कमेंट करें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट सरकारी पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।